हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जून महीने का जो मेरे गार्डन का था सेटिंग थी, एक मैंने आपको दिखाया था व्यू, उसमें थोड़े पौधे रह गए थे। तो मैंने आपसे ये वायदा किया था कि अगले वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे। तो आज उन्हीं को देखते हैं कि और क्या क्या मेरे छत पर लगा हुआ है। आइए चलिए मेरे साथ मेरे टेरेस गार्डन पे। दोस्तों, पिछला वीडियो डाले हुए एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ते में मेरे टेरेस पे क्या क्या और हुआ है वो भी मैं आपसे एक बार फिर से शेयर करती हूँ। आपको अगर याद हो तो ये मेरा पैसी फ्लोरा का पैशन फ्लावर का वो है प्लांट है, और तब इसमें कलियाँ नहीं आई थी, और अब देखिए एक हफ्ते के अंदर इसमें बडिंग भी स्टार्ट हो गई है। सो इस तरीके से अगर आप अपने पौधों की देखभाल करते हैं ना, उनको टाइमली मैन्योर वगैरह देते रहते हैं प्रॉपर जो जिस स्टेज पे उसको चाहिए, तो वो भी अच्छी तरह आपको सीजनली सब कुछ फूल वगैरह देते रहते हैं। इधर देखिए, ये मेरा जरबेरा लश ग्रीन 45 डिग्री में भी, और फ्लावरिंग भी इनमें होती रहती है। दिस इज एसिस्टेशिया, खूब अच्छे हो रहे हैं इस समय ये भी, और ये है श्रिम फ्लावर, फ्लावरिंग अभी इसमें होके चुकी है, सेकेंड फ्लश की तैयारी है। और इसके आगे आप ये जो देख रहे हैं, ये हमेलिया, बहुत सुंदर बुश है, फूल नहीं भी होते हैं। वैसे तो गर्मियों में पूरे समय 5-6 महीने फूल बने ही रहते हैं इनमें, लेकिन दोस्तों जब फूल नहीं भी होते हैं ना, तो इनकी जो फॉलिएज है वो भी इतनी सुंदर है, कलरफुल है। जब निकलती हैं नई पत्तियां तो लाल होती हैं, हरी हो जाती हैं। अगर आप अपने पौधों को ठीक से मेंटेन करते हैं तो 12 महीने आपकी छत पर रंग और हरियाली छाई रहती है। इसके आगे दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको पौध दिखाई थी पिछली वीडियो में कि मैंने बालसम की और गोंगुरा की पौध तैयार की थी, इनको अब मैंने लगा दिया है। इधर से आके दिखाऊं अगर मैं आपको, आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि मैंने एक गमले में दो दो या तीन तीन ऐसे पौध लगाई है। क्यों लगाई है? जिससे कि अगर एक ना चले तो दूसरी तो है उसके संग में, उसको सपोर्ट देने के लिए वो चल पड़ेगी, एक ना एक तो चलेगी ज़रूर। तो इसलिए ये नहीं होगा कि आपका पॉट खाली रह जाएगा। अब जैसे ये दोनों हैं, दोनों हेल्दी हैं, इनमें से मैं एक को निकाल दूंगी। और हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह खींच के हम नहीं निकालेंगे इसको, हम कैंची से यहाँ से काट देंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि खींचने से क्या होगा, ये जो आपका हेल्दी प्लांट है इसकी भी जड़ डिस्टर्ब होएगी और ये भी फिर ख़त्म हो सकता है। तो दो इसीलिए मैं लगा लेती हूँ। ये गोंगुरा है, ये ग्लैडुलाय है, इसमें फुटाव आ गए थे। दोस्तों, हमेशा आपके जो बल्ब्स होते हैं ना, वो आपको इंडिकेट करते हैं कि कब उनमें उनको आपको ज़मीन में देना है। तो जब उनमें फुटाव आने लगते हैं तो आप उनको, दैट मीन्स दे से कि अब हमको ज़मीन में आप दे दीजिए, डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिए थे और अब ये अच्छे बड़े हो गए हैं, और सितंबर में या लेट अगस्त में इनमें फ्लावरिंग ज़रूर हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आइए और इधर चलते हैं। दोस्तों, ये कॉस्मोस है, और आपको पता है कि पीला रंग जो है वो थोड़ा पेस्ट रिपेलेंट है। तो अगर आप इसको अपने बगीचे में लगाते हैं तो आप अपने जो फ्रेंडली पेस्ट हैं उनको तो इनवाइट करते ही करते हैं, और जो हार्मफुल हैं उनको रिपेल करते हैं। तो फूल ज़रूर लगाइए अपने बगीचे में, क्योंकि आप लोगों ने सब्जियां भी लगाई होंगी तो उनमें पॉलिनेशन के लिए फूलों की बहुत ज़रूरत है। अमूमन ये शिकायत होती है कि भाई फूल तो लग गए तोरी में घिया में, लेकिन फल नहीं बन रहा है। फल नहीं बनने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उसमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, और पॉलिनेशन हो इसके लिए आपको फूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस तरह के फूल लगाते हैं जो पेस्ट को रिपेल करते हैं, तो आप उनको अपनी सब्जियों को बचाकर भी रख सकते हैं। और इसके आगे चलें तो ये एक और मेरा ब्यूटीफुल प्लांट है, इसमें भी फूल बहुत अच्छे आए थे। तो आप ये देखिए, मैंने इनकी कटिंग कर दी है, जैसे हम हमेशा कहते हैं डेड हेडिंग कर दीजिए। स्टेम्स काफ़ी लंबी भी हो गई थी तो मैंने इनको काट दिया इसलिए, और ये अब इसमें नए पत्ते निकल रहे हैं। ये सेंटर में मेरी जो आप देख रहे हैं लगा हुआ है ट्रेलिस पे,
ये है पीली चमेली, हरी है, फरवरी में इसमें फूल निकलते हैं, लेकिन हमको इसको मेंटेन करके रखना है। हमेशा आपके जो पेरिनियल्स होते हैं, अगर डेसिडुअस नहीं है, मतलब उनमें पतझड़ नहीं आता है दोस्तों, तो उनमें पत्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्ती अगर नहीं होगी उनमें, तो उनकी हेल्थ, फूड वो नहीं बना पाएंगे और उनकी हेल्थ डिटोरिएट होगी। तो जो पेरिनियल्स हैं उनमें पत्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, और डोंट फॉरगेट हेल्दी लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जब आप अपने एनुअल्स का, सीजनल्स का ख्याल रखते हैं, संग में उतना ही ख्याल अपने पेरिनियल्स का रखें, क्योंकि वो ही हैं जो आपके संग सालों साल रहते हैं और आपकी जो बगीचे हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए, एक ये ग्रास है, ये हम उदयपुर से लाए थे और काफ़ी सूख गई थी, ये बहुत अच्छी हो गई थी 2-3 साल पहले, लेकिन ओवर द इयर्स ये सूख गई थी, इसकी मैंने फिर से रिपॉटिंग की है, तो ये भी अच्छी चल पड़ी है। इसके साथ में ये ब्यूटीफुल प्लांट पैरेट बीक, बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं, ये भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था और अब काफ़ी बड़ा हो गया है, एंड होपफुली 10 इंच का गमला है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि उसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी और ये मुझे फूल दे के बहुत खुश करेगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि गर्मियों में हम लोग कहते हैं 40-45 डिग्री में रिपॉटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, पर अपने एक्सपीरियंस से अब आज मैं ये कह पा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये गमले मैंने, क्योंकि आपको पता है मैं अकेली हूँ, अपने काम अपने आप करती हूँ, तो धीरे धीरे जब टाइम मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, तो आई डू माई गार्डनिंग। तो ये पौधे जो ये है, ये घास है, तो ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिपॉट किए हैं, तो आप ये देखिए आपके सामने हैं और कितने अच्छे लश ग्रीन हैं। रिपॉटिंग का बस एक उसूल है कि जब आप इतनी गर्मियों में करते हैं तो उनको प्रॉपर कंडीशंस दीजिए, इस तरीके की शेड और पानी और ह्यूमिडिटी, जैसी भी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि वो ख़राब ना हो और वो पनपे। इसी तरह से मैं ये दिखाऊँ आपको, ये अमरूद का पौधा बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल सूख गया था, 6 इंच के छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा था, लेकिन इसकी भी मैंने रिपॉटिंग की है और ये देखिए अब इसमें ये नए फुटाव आने लग गए हैं। कभी भी आप अपना जो पौधा सूख रहा है, आप निराश ना हो दोस्तों, ज़रूर आप थोड़ा सा इसकी ये बार्क छील के देखिए, अगर उसमें हरियाली है, ये मैं आपको दिखाऊँ अगर कैसे टेस्ट करते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा छील के देखेंगे ना अपने नाखून से या चाकू से, अगर इसमें ज़रा सा भी ये देखिए हरापन है, तो इसके माने कि आपका पौधा में अभी ज़िंदगी बाकी है। और जो जिसमें भी जीवन है ना दोस्तों, पौधे जीवित हैं, तो उनको हमेशा एक ललक रहती है कि वो जीवित रहें, वो जद्दोजहद हम लोगों की तरह करते हैं कि हम भी ज़िंदा रहें। तो आप ये मत समझिए कि आपका पौधा सूख गया है, उसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस दीजिए, और जब भी आप रिपॉटिंग करें ना, तो जो एक जिस गमले में आपका लगा हुआ है उससे सिर्फ एक साइज़ बड़ा गमला, 2 इंच बड़ा जिसको कहते हैं, 6 से अगर 6 इंच में लगा है तो 8 इंच में लगाइए, उतने ही बड़े गमले में उसको ट्रांसफ़र करिए, बहुत बड़े गमले में उसको मत रिपॉट करिए, तो आपका पेड़ ज़रूर चलेगा। इसके आगे अगर मैं चलूँ तो ये देखिए, ये पेरिस्किया है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए सूख गया है ये वाला, इनमें हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे इनकी ये डेड हेडिंग कर दी, क्योंकि फिर इसमें फल बनने लगते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मेरे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, आई डोंट वॉन्ट दैट। तो ये भी जो सूख गए हैं ओवर द ईयर्स, आप ये देखिए ओवर द टाइम, ये देखिए इसमें ये फल बनना शुरू हो गया है, तो मुझे इसके बीज नहीं चाहिए, तो इसकी भी हम डेड हेडिंग कर देंगे। आइए दोस्तों और दिखाते हैं थोड़े से पौधे आपको। दोस्तों ये मेरा एलमेंडर का पौधा है, ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसमें बहुत खूबसूरत बर्गंडी कलर के फ्लावर्स आते हैं, खूब बड़े बड़े आते हैं। तो जब पिछले साल इसकी फूल आ चुके थे, तो मैंने यहाँ से ये देखिए कटिंग कर दी थी इनकी। हमेशा हम लोग कहते हैं फ्लावर्स आने के बाद कटिंग कर दीजिए जब उसका सीज़न ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये भी एक पेरिनियल है, तो अब इसका जब सीज़न शुरू हुआ, तो देखिए एक कट यहाँ से कटिंग की थी, तो यहाँ से 2 ब्रांचेज निकली हैं, और यहाँ से भी ये देखिए मैंने कटिंग की थी, तो यहाँ से भी निकली हैं, और इन ब्रांचेज में फर्दर कितनी ब्रांचेज निकली हैं।
तो दोस्तों प्रूनिंग करने से कभी मत घबराइए. प्रूनिंग इज अ वेरी इसेंशियल दिस थिंग ऑपरेशन इन योर गार्डन. हमेशा अपने प्लांट्स की टाइमली प्रूनिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. और इसमें पानी की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा होती है, लंबाई में काफ़ी बढ़ जाता है, तो ऐसी जगह इसको रखिए कि जहाँ इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती हैं तो हमारे पौधों को टॉपल कई बार वो कर जाते हैं. तो ये मेरा एलमंडा का खूबसूरत सा पौधा है, फूलों का इंतज़ार है. आइए आगे चलते हैं. तो दोस्तों ये मेरा विस्टीरिया का पौधा है. 3 साल पहले हम इसको भीमताल से लेकर आए थे और अच्छा मेंटेन हुआ है. और मुझे ये बताते हुए, शेयर करते हुए आपके संग बहुत खुशी हो रही है कि अब की इसमें फ्लावरिंग हुई थी एंड आई वाज रियली सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू. थोड़ी हुई पर हुई, मुझे खुशी है कि आगे भी अब इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी. तो ये विस्टीरिया है. तो दोस्तों इसके संग आप ये जो देख रहे हैं ये पीला कचनार है. छत पे धूप चूँकि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा अभी इसमें फूल नहीं निकले हैं. और पौधा भी मेरा ये नया ही है, 1 साल पुराना है, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू फ्लावर. इसके संग ये दिखाना चाहूँगी अपनी चंपा. बहुत खूबसूरत लाल रंग के फूल हैं इसमें, ये देखिए बहुत प्यारे. और इसमें से मैंने कई कटिंग्स बनाई हैं, फ्रेंड्स को दी हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हो जाता है. और छत पे है तो मैं 10 इंच के गमलों में ही लगाती हूँ ज़्यादातर पौधे. बहुत बड़े मुझे चाहिए नहीं होते हैं, तो मेंटेन करके रखना है उनकी पूरा वो. और इधर भी देखिए ये इसमें भी 3-4 टहनियाँ हैं और सब में खूब अच्छे फूल आ रहे हैं. अब तो टुवर्ड्स द एंड है, बहुत टाइम से ये सब फूल खिल रहे हैं इसमें. और अगर आप इसमें प्रॉपर खाद वगैरह देते रहेंगे तो ये आगे भी काफ़ी टाइम तक खिलते रहेंगे, कलियाँ इसमें आती रहेंगी. डेड हेडिंग करना अपने फूलों की कभी मत भूलिएगा, तो आपके फूल जो हैं वो बहुत टाइम तक आते रहेंगे. सो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है जो मैं अपने टेरेस गार्डन पर करती रहती हूँ, मेहनत करती हूँ. तो आप भी अगर फूलों के शौकीन हैं तो हरियाली ज़रूर मेंटेन करिए अपने बगीचे में, पौधों को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए. थैंक यू सो मच. और हाँ, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच.